2001 में सीएनजी को पाकिस्तान में मुतबादल ज़राए तवानाई के तौर पर मुतारिफ करवाया गया। गैस सस्ती होने के बायस अवाम में इसकी हातिर ख्वाह पज़ीराई हुई। मुल्क में जारी तवानाई के बुरान ने जब शिद्दत अख्तियार की तो गैस की अदम दस्तियाबी के बायस हुकूमत को गैस की लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ा। आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज बरोज के उतार चढ़ाव की वजह से 50% से ज्यादा ट्रांसपोर्ट सीएनजी पर मुंतकिल हो गई। हुकूमत और सीएनजी एसोसिएशन के माबेन गैस लोड शेडिंग के शेड्यूल पर जारी मुज़ाकरात में नाकामी के बाद सीएनजी एसोसिएशन ने पंजाब भर में गैस स्टेशन बंद कर दिए। हमने अल्टीमेटम दिया था, आज हमने अपनी लाहौर रीजन की फाइनल मीटिंग की है और अपने लोगों को बताया है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई नेगोशिएट नहीं किया, इसलिए कल हम सीएनजी की मैं करेक्शन कर दूँ कि सीएनजी की गैर मौजूदा मुद्दत की हड़ताल कल शुरू हो जाएगी और पेट्रोल पंप्स की टोकन स्ट्राइक होगी। सीएनजी स्टेशन की बंदिश के बायस दफातर जाने वाले अफराद, ताजर, तुलबा, गर्जे के हर शुबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सब लोग परेशान फिर रहे हैं, कोई वो नहीं, गाड़ी वालों से किराए का पूछे तो ट्रिपल ट्रिपल ले रहे हैं। सीएनजी नहीं है, कोई हाल नहीं, पेट्रोल नहीं है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, सीएनजी भी नहीं मिल रही, तो फिर क्या करें? आवाम तो दर बदर जो है ना वो घूम रही है। सुई नार्दन गैस हुकाम का कहना है कि गैस की किल्लत के बायस सीएनजी स्टेशंस को गैस की फरामी सिर्फ लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक बहाल रखी जा सकती है। सीएनजी की बंदिश अवाम में बेचैनी का सबब बन रही है। हुकूमत और सीएनजी एसोसिएशन को अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए फौरी तौर पर कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। कैमरामैन उरम के साथ यासिर जहूर, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद।